नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खास खबरों पर। काफी लंबे मंथन के बाद कांग्रेस ने आखिरकार सल्ट उपचुनाव में पूर्व प्रत्याशी रही गंगा पंचोली को प्रत्याशी बनाया है। गंगा पंचोली साल 2017 में हुए चुनाव में 2904 वोटों से चुनाव हार गई थी। सूत्रों के अनुसार सल्ट के लिए गंगा के साथ ही पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के बेटे विक्रम रावत का नाम भी पैनल में था। हालांकि प्रदेश नेतृत्व रणजीत को चुनाव मैदान में उतारने के लिए पक्ष में था। अंतिम क्षणों तक भी रणजीत रावत को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वहीं प्रत्याशी घोषणा के बाद कांग्रेस नेता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि सल्ट में गंगा पंचोली का बड़ा जनाधार है और सल्ट में कांग्रेस भारी मतों से जीत दर्ज करेगी। देखिए, गंगा पंचोली जी जो 2017 में भी कांग्रेस की उम्मीदवार थी और मामूली अंतर से चुनाव को का हार का सामना 2017 में उनको देखना पड़ा, आज पार्टी ने उनको सल्ट के उपचुनाव के लिए पुनः प्रत्याशी घोषित किया है। और मैं समझता हूँ कि उनका अपना एक अलग जनाधार है। महिला होने के नाते भी और प्रमुख रहते हुए भी उन्होंने उस क्षेत्र में जनता की बहुत बड़ी सेवा की है और उनके चुनाव लड़ने से निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी किसी को भी चुनाव लड़ाए, लेकिन गंगा पंचोली जी ने जो 4 साल में वहाँ पर मेहनत की है और उसका फल जरूर मिलेगा। और जो 4 साल में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल है, इनकी इन्होंने जिस तरीके से प्रदेश की जनता के ऊपर अन्याय अत्याचार करने का काम किया है, प्रताड़ित करने का काम किया है, जो 4 साल में इस सरकार ने पाप किए हैं, उसका फल सल्ट की महान जनता उनको जरूर देगी। सल्ट उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत कुल 30 दिग्गज नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं। इस दौरान उन्होंने सल्ट उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा भी किया। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, केसी वेणुगोपाल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी हैं, हमारे प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव हैं, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश हैं, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी हैं, हमारे उपनेता करण महारा हैं। इसके समेत लगभग 30 हमारे स्टार प्रचारक हैं जिनकी सूची हमने आज इलेक्शन कमीशन को बाकायदा सौंप दी। हल्द्वानी के सबसे बड़े बेस अस्पताल के ब्लड बैंक में खून की कमी हो गई है। ब्लड बैंक में खून उपलब्ध नहीं होने के चलते तीमारदारों को खून के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। यहां तक कि कई ब्लड ग्रुप के खून भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में अस्पताल प्रशासन ने लोगों से ब्लड डोनेट करने के लिए गुहार लगाई है। इसी कमी को दूर करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक सामने आए हैं। उन्होंने निस्वार्थ सेवा के तहत रक्तदान किया और उनके नेतृत्व में लोगों ने रक्तदान किया है। इस दौरान चिकित्सा अधिकारी ऊषा भट्ट ने रक्तदाताओं का हौसला भी बढ़ाया। वैसे तो समय समय पर कैंपों के माध्यम से ब्लड डोनेशन कैंप हम लोग करते रहते हैं, लेकिन कल रात्रि में डॉक्टर ऊषा भट्ट जी का फोन आया कि इमीडिएट हमको आवश्यकता है ब्लड डोनेशन के, कुछ आपकी मदद की आवश्यकता है। तो आज हमने संपर्क किया, संपर्क करने के बाद 8 लोगों ने ब्लड डोनेट किया है। हाँ जी, यहाँ पे ब्लड तो डोनेटेड जो भी वॉलंटियर डोनेशन लगते होते हैं उन्हीं से ब्लड मिलता है, उन्हीं का ब्लड कलेक्ट होता है ब्लड बैंक में। तो हमारे काफ़ी सारे डोनेशन डोनर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनकी वजह से हमें ब्लड मिलता है। और पाठक जी को तो पाठक जी भी हमें समय समय पर देते रहते हैं। और कल तो हमारे यहाँ पे काफ़ी कमी थी ब्लड की, तो किसी को ज़रूरत थी तो पाठक जी को हमने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि कल आपके पास 5-7 ब्लड आ जाएंगे और कल हम आपको ब्लड दे देंगे, कोई भी इतनी कमी नहीं होने देंगे। तो आज इन्होंने 7-8 ब्लड अभी करवा दिए हैं। कांग्रेस के जिला प्रवक्ता हरेंद्र सिंह ने सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने कहा कि हम सब उत्तराखंडवासी उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से दुआएं मांगते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी शुभकामना है कि प्रदेश के विकास पुरुष और जनप्रिय नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जल्द से जल्द स्वस्थ होकर घर लौटेंगे। अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस जिला प्रवक्ता हरेंद्र सिंह ने सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत और उनके परिवार जनों के शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करते हुए उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआएं भी मांगी। मैं भगवान बद्रीनाथ से, भगवान भोलेनाथ से जल्द ये प्रार्थना करता हूं
कि हरीश रावत जी और श्रीमती रेणुका रावत जी, उनके सहयोगी सुमित रावत जी, उनके सहयोगी पूरन सिंह रावत जी, उनकी बेटी अनुपमा रावत जी, ईश्वर की कृपा से 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा से जल्द ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, उत्तराखंड वापस अपने घर आ जाएं। मेरी सभी कांग्रेस की जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी शुभ चिंतक हैं और जितने भी यहाँ पर जो है समाज सेवी हैं, सब लोगों की शुभकामनाएं और सब लोगों की दुआएं उनके साथ हैं। और मेरे ये छलकते हुए आंसू आज ये कह रहे हैं कि इस संकट की घड़ी में आज भी हरीश रावत जी जैसा जमीन संघर्ष नेता आज मिलना बड़ा मुश्किल है। एक नाम होता था स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी जी, स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी जी के स्वर्ग में जाने के बाद इस देवी देवभूमि उत्तराखंड में हमारे पास कोई नेता है तो वो नेता है जमीनी नेता आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। और सब लोग दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और डॉक्टर्स दिल्ली में एम्स ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स जो उनकी रात दिन देखभाल कर रहे हैं, मैं उनको पूरे उत्तराखंड की ओर से शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि हमारे नेता की वो देखभाल कर रहे हैं। आज इस देवभूमि उत्तराखंड को ज़रूरत है, और यहाँ भी जितने भी डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव लोगों की देखभाल कर रहे हैं सबको मेरा धन्यवाद, सबको हृदय से धन्यवाद। जो लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। हम सब लोग मिलकर के हरीश रावत जी को की शुभकामनाएं और स्वस्थ होने की शुभकामनाएं उनके स्टाफ की शुभकामनाएं कहते हैं। रानीपुर कोतवाली के गैस प्लांट चौकी क्षेत्र में ग्राम ब्रह्मपुरी में निवास कर रहे एक किरायेदार के कमरे में चाय बनाते समय गैस के सिलेंडर में अचानक आग लग गई। गैस सिलेंडर में आग लगने से पूरे मकान में भगदड़ मच गई। वहीं आग लगने से कमरे में रखा सामान भी जलकर खाक हो गया और एक बच्ची आग में झुलस गई। आग लगने से आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए और रेत और पानी की मदद से आग पर काबू पाया गया। MDT के माध्यम से, सिटी कंट्रोल रूम के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई, आग लगी है, सिलेंडर में आग लगी है, आप तुरंत पहुंचो। हमारी यूनिट तुरंत जो है घटनास्थल पर पहुंची। हमारे पहुंचने से पूरे जो किचन का सामान जलकर ख़त्म हो गया था और इसमें आंशिक रूप से एक बालिका झुलसी है जिसके नाम की जानकारी हम करके आपको बताएंगे। नुकसान जो किचन में सामान होता उनके बिस्तर थे लगभग वो जल गए हैं, हुआ होगा, नुकसान तो है ही है। पौड़ी में दिव्यांगजनों की समस्याओं को सुलझाने की बजाय समाज कल्याण विभाग द्वारा हायर की गई राउट संस्था दिव्यांगों की दिक्कतों को और बढ़ा रही है। कार्य संपादन में संस्था को खरा नहीं उतरने की वजह से दिव्यांग अब मुख्यालय तक के चक्कर काट संस्था की पोल खोल रहे हैं। ऐसे में हालात ये हैं कि संस्था की कार्यप्रणाली पर अब दिव्यांगजन ही सवाल उठाने लगे हैं। दिव्यांगों की माने तो संस्था अपनी जिम्मेदारियों को भुलाकर सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। दिव्यांगों की सहूलियत के लिए सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे गिने चुने दिन पर ही दिव्यांगों की सुध ली जाती है, जबकि संस्था को साफ निर्देश दिए गए हैं कि रोस्टर के मुताबिक दिव्यांगों के लिए शिविर लगाए जाएं और दिव्यांगों को सरकार की हर योजना का लाभ दिया जाए। लेकिन संस्था द्वारा लगाए जा रहे साल भर में गिने चुने दिन कैंप में भी दिव्यांगों को कैंप लगाने की सूचना तक नहीं दी जाती, जिससे दिव्यांगों को मुश्किलें उनकी लगातार बढ़ती जा रही है और ना ही दिव्यांगों को स्वरोजगार के लिए दिव्यांगों को समय पर स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था दे पा रही है। तो पूरी तरह से कॉपरेट करते हैं और जहाँ तक पॉसिबल हो करते हैं कॉपरेट, लेकिन सर जो जितने भी जो NGO हैं ये लोग कॉपरेट नहीं करते हैं। कॉपरेट क्या है, खाली नाम के लिए NGO चलते हैं सर। NGO सिर्फ मीटिंग बुलाते हैं, दिव्यांगों की मीटिंग होती है और जब सर कोई कार्यक्रम होता है जैसे कि 26 जनवरी 15 अगस्त उस दिन कंबल बांटने का काम होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता सर। NGO द्वारा जो कार्य किया गया उसका अनुश्रवण किया गया, रिव्यू किया गया है और उनके कार्य को हमने निर्देश जारी किया है कि आप समस्त विकासखंडों में प्रति विकासखंड कम से कम 2 आपको कैंप्स वर्ष भर में लगाने चाहिए और वहाँ पे नियमित रूप से आपके दिन तय होने चाहिए कि किस दिन आप जो है जनपद के और विकासखंडों पर आप अवेलेबल रहेंगे। साथ ही अपने जो कार्मिक होता है उसमें सर्वेक्षण कार्य का भी उनको निर्देश जारी किया है कि आप सर्वेक्षण कार्य जो है पूर्ण करके उसका समस्त विवरण जो है हमारे समाज कल्याण अधिकारी जो है जो कि उसके DDRO के पद पर कार्यरत हैं, अतिरिक्त कार्य देख रहे हैं, उनको सूचित करते रहेंगे, तभी उनके कार्य का अनुश्रवण सही ढंग से हो पाएगी। हमने उनसे ये भी अनुरोध किया कि जितने भी हमारे दिव्यांग बंधु हैं उनके लिए आप लोग स्किल डेवलपमेंट और स्किल ट्रेनिंग के लिए भी कार्य करेंगे, उनके जितने भी आवेदन पत्र जो बैंक में लंबित हैं
उसको शीघ्रता से स्वीकृत कराने के लिए उनकी मदद करेंगे और उसके लिए विशेष जो कैंप लगाए जाएंगे उसकी जानकारी विकास खंड को भी आप आवश्यक रूप से देंगे ताकि विकास खंड अपने स्तर पर ग्राम सभा को सूचित करके उन सभी दिव्यांग बंधुओं तक सूचना को पहुँचाएगा जिससे कि अधिक से अधिक लोग उसका लाभ ले सकेंगे। उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।